Practical number 45 is write a program that takes 5 digit integer from the user and reverses its presentation. For example, 12345 becomes 54321. ओके जी, हमने यहाँ पे दो काम करने हैं. एक तो सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल एक नंबर उन्होंने कह दिया कि 5 डिजिट नंबर एंटर करो, हमने उसको 10 पे डिवाइड करना सबसे पहले. ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगर आप नोट करें तो इसका आंसर क्या आता है मैं आपको पूरा पहले डिवाइड करके बता देती हूँ. ये 2 पे जाएगा 20, और 34 ऊपर से 4 ड्रॉप करेंगे ये 3 पे जाएगा 30, 4 आ गया एंड पे, 5 ड्रॉप करेंगे तो ये 4 पे जाएगा 40. ठीक है, हमारे लिए ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो आपका पहला नंबर जो प्रिंट होगा ना वो ये, हमने किया क्या, नंबर लिया 12345, उसको हमने एन में सेव किया. ठीक है, उसको हमने मॉडलेस किया 10 के साथ. जो हमारे पास नंबर आएगा वो हम प्रिंट कराते जाएंगे. ठीक हो गया, सबसे पहले हमारा पहला डिजिट प्रिंट हो गया. अब जो हमारा ऊपर क्वेश्चन आया है वो हम बना लेंगे अपना नेक्स्ट टाइम, एन नंबर वो बना लेंगे. ठीक है, 1 2 3 4, इसको वही काम हमने दोबारा से करना है. उसको फिर दोबारा 10 पे डिवाइड करना है. 10 1 टाइम्स इज 10, 2 रिमाइंडर 3 ड्रॉप करें, 2 टाइम्स इज 20. ठीक है, फिर नीचे 3 रिमाइंडर आया, 4 ड्रॉप करें, और ये 3 टाइम्स इज 30. हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 4. इसको हम प्रिंट करा लेंगे. 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, 4. और ये जो हमारे पास 1 2 3 ऊपर क्वेश्चन में आया ये हमारा बन जाएगा न्यू नंबर. ठीक हो गया, 1 2 और 3. इसको फिर हम 10 पे डिवाइड करेंगे और वही इसके साथ सलूक करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं. यहाँ आएगा हमारे पास 2, और ऊपर से 3 ड्रॉप करें, ये हो जाएगा 12, और नीचे आएगा हमारे पास 3. ये हमारा नेक्स्ट डिजिट प्रिंट हो रहा है. अब हम नोट करें तो ये उल्टे प्रिंट होने शुरू हो गया है ना, 12345 था, 543. ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो हमारा ये क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, हमारा नंबर. इसको फिर हम 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 1 टाइम्स इज 10, और नीचे आ गया हमारे पास रिमाइंडर 2. नेक्स्ट डिजिट क्या हमारा प्रिंट होगा, 2. और हम अब क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आया है उसको बना लेंगे अपना नंबर और उसको फिर 10 पे डिवाइड करेंगे. आप अब ये सोच रहे होंगे 1 कैसे 10 पे डिवाइड होगा, नहीं होता तो ऊपर लगाएं 0, नीचे लगाएं यहाँ पे 0. 10 0 टाइम्स 0 होता है, और ऊपर से हमने ये उतारा इसका रिमाइंडर, और हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ गया ये. तो हमारे पास जो प्रिंटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, 54321. और वो आ कहाँ से रही है, जब हम n मॉडुलस 10 कर रहे हैं हमारे पास ये सारे क्या थे, रिमाइंडर आए हैं. समझ आ गई. और दूसरा हम क्या काम क्या कर रहे हैं कि ईच टाइम n कैसे आ रहा है हमारे पास, n को n पे डिवाइड करके, यानी कि क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होता है हमारा नेक्स्ट, वो हमारा नेक्स्ट n बन जाता है. ठीक है, ये देखें, पहले 1 2 3 4 आया था, उसके बाद 1 2 3 हमारा क्वेश्चन n बन गया, फिर 12 बन गया, फिर 1 बन गया. जब तक 0 नहीं होता ये हम उसके ऊपर चेक लगा देंगे, जब वो 0 हो जाएगा तो वहीं पे अपना प्रोग्राम हम क्या कर देंगे, स्टॉप. ले जी, वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम, अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम, जिसका हमने सबसे पहले एक इंटीजर एन ले लिया है. अब हम यूज़र को मैसेज देंगे टू एंटर अ नंबर. सिर्फ हमने इसमें दो ही काम करने हैं, एक लेना है नंबर और एक उसको प्रिंट कराना है. ठीक है, एंटर अ नंबर, पहले बैक स्लैश एन दे दिया करें ताकि ज़रा आउटपुट थोड़ी नीचे करके नजर आए. एंटर अ 5 डिजिट नंबर, ये बताना ज़रूरी है उसको. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. चलें स्कैन एफ करें और इसको डालें परसेंट डी टाइप वेरिएबल के अंदर. माशाल्लाह आज काम कितना अच्छा हो रहा है. अच्छा जी, एंड एंड ठीक हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है, एक चेक लगाना है, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0. देखा था ना, एंड पे 0 आ गया था तो वहीं पे काम स्टॉप हो गया था. जब तक एन 0 नहीं होता तो क्या काम करो, प्रिंट एफ कराई जाओ. क्या प्रिंट एफ कराना है, परसेंट डी, और परसेंट डी कैसे आएगा, एन का मॉडुलस लेते जाएं 10 से. ठीक है, एन का मॉडुलस लेते जाएंगे ना तो फिर आपका वो एक नंबर जो है वो ड्रॉप होता जाएगा, नीचे आपका रिमाइंडर जो है वो आता जाएगा 54321, जैसे हमने किया था अभी. और उसके बाद एन को क्या करते जाएं, एन डिवाइडेड बाय 10. ये भी मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ कि वो जो नंबर है उसको डिवाइड करें, जो क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट एन बन जाएगा. ठीक हो गया, इसको ज़रा प्ले करके देखते हैं, आई मीन एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये साहब क्या कर रहे हैं. एंटर अ 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5, आ गया 54321. इसको दोबारा से किसी और नंबर के थ्रू चेक करते हैं, ये ना ओके कोई गड़बड़ मचा दे. इसको करते हैं 5 6 7 8 9. ठीक हो गया, 9 8 7 6 5.